हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जीटीयू के तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, एक नहीं चार। यस, आज की जो डेट है 16 जून, आज के ही डेट में जीटीयू की तरफ से चार इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं और लिटरली चारों जो अपडेट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि वो चारों अपडेट्स में या चारों सर्कुलर में क्या क्या बोला गया है स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज आज तक भी जीटीयू या यूजीसी की तरफ से जितने भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं वो मैंने ट्राई किया है कि जितना जल्दी हो सके आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि अभी ऑलरेडी पेंडेमिक चल रहा है, स्टूडेंट्स के माइंड में हज़ार कन्फ्यूजन्स है कि एग्ज़ाम होंगे, कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे, किस तरह से होंगे। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कितना कन्फ्यूजन्स होते हैं हमारे दिमाग में, राइट? और एग्जाम रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो लिटरली कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मुझे पता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए चारों अपडेट्स क्विकली देख लेते हैं कि चारों सर्कुलर्स किस किस बारे में है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है? तो देखिए, जैसे आपको दिख रहा है मैंने स्क्रीन में चारों सर्कुलर्स आपके लिए ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सर्कुलर की, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो सर्कुलर है ये कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये सर्कुलर किस बारे में है? गाइडलाइंस रिगार्डिंग ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप समर 2020 एग्जामिनेशन। तो जैसे कि इधर हेडिंग से आपको पता चल रहा है कि ये किस बारे में है, आपके अभी समर 2020 में एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये अपडेट स्पेशली किस किस लोगों के लिए है। तो अगर आप यूजी के फाइनल सेमेस्टर में हो, मतलब डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में हो, या डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर में हो, या फिर पीजी के किसी भी सेमेस्टर में हो, तो ये आप लोगों के लिए है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ये किस किस स्टूडेंट्स के लिए है? यूजी या डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स, या फिर पीजी के हरेक, पीजी के अगर आप कोई भी सेमेस्टर में हो तो आप सबके लिए ये वाला सर्कुलर है। तो इधर मैं आपको बता दूं कि ये सर्कुलर में बेसिकली क्या बोला है उन लोगों ने कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो इस बार जीटीयू वालों ने दो अलग अलग मोड्स में लिए हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन भी होंगे। तो बेसिकली जनरली जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सबको यूनिवर्सिटी में जाके ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना होगा। नॉर्मली आप जैसे देते हो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके, आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होगा। बट यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो कौन से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की फैसिलिटी दी जाएगी? अगर बाई चांस, अभी पेंडेमिक है, बीच में लॉकडाउन चल रहा था, तो अगर आप आपके घर, मतलब अगर आप आउट ऑफ स्टेट चले गए हैं, आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, ये दोनों, अगर इन दोनों में से कोई केस है तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। या फिर आप जहाँ पर अभी रहते हो, अगर वो एरिया कंटेनमेंट जोन है, ठीक है, कंटेनमेंट जोन आप सबको पता ही होगा, जहाँ पे कोविड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो अगर आप कंटेनमेंट जोन में हैं या फिर आप अभी आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, ऐसे केसेस में आप एलिजिबल हो कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप इनमें से कोई केस में आते हैं तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो, अदरवाइज बाकी सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके। और ऑनलाइन एग्जाम जो होगी वो भी बीच में सब लोग सोच रहे थे शायद एमसीक्यू होगा, एबीसीडी टिक करना होगा, बट नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखा है, उसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन अगर आपकी एग्जाम होगी तो भी ऑनलाइन एग्जाम भी, जैसे आप ऑफलाइन में आपकी एग्जाम होती है, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा होगा और वो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको ब्रीफ में बड़े बड़े आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे ऑनलाइन एग्जाम में भी, ठीक है? तो कुछ एमसीक्यू नहीं होगा, नॉर्मल जैसे एग्जाम होता है उसी तरह का ऑनलाइन अगर होगा तो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ही होगा, फाइन। और इन लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि अगर आपके सेमेस्टर में कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ होता है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइंग का यूज़ होता है, ड्राइंग शीट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे जो एग्जामिनेशंस है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं ली जाएगी। बिकॉज ऑनलाइन ले ही नहीं सकते, राइट? बिकॉज मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट में हमको पता है बहुत सारे सिम्बॉल्स का यूज़ होता है, जैसे इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, लेमडा, पाई, ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा सिंबल्स का यूज़ होता है जो हम ऑनलाइन लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए ये चीज़ें बोली गई है कि अगर आपका, आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स या फिर ड्राइंग का यूज़ होता है तो ऐसे केसेस में आपका वो वाले सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा और बाद में फिर कभी यूनिवर्सिटी उन सब्जेक्ट्स का ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लेगी फिर कभी, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है।
उसके अलावा क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने और चीज़ बताई है कि आपका ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, ठीक है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो फिर 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और आपका पेपर स्टाइल कैसे होगा, इसके लिए जीटीयू ने पहले ही एक रेफरेंस में आपको सर्कुलर दे दिया था 3 जून को, ठीक है, थोड़े टाइम पहले ही 3 जून को जीटीयू की तरफ से एक सर्कुलर आया हुआ था जहाँ पे आपका आपके लिए रेफरेंस पेपर स्टाइल उन लोगों ने रखा है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो, पेपर स्टाइल आपको पता चल जाएगा। तो उस पेपर स्टाइल का पेपर आएगा आपके एग्जाम में और आपका एग्जाम 2.5 घंटे का होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को और कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा लैंग्वेज का, उनको अपने आंसर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखने पड़ेंगे। फाइन, ओके। उसके अलावा बस वही बोला है कि जो भी स्टूडेंट्स ये ऑनलाइन एग्जाम ऑप्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप भी उन केसेस में आते हैं कि आइदर आप आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ कंट्री है, या फिर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हो, अगर ऐसे किसी केस में अगर आप आते हो और आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, तो आपको उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ही आप एलिजिबल होंगे ऑनलाइन एग्जाम के लिए। और वो फॉर्म कब आएगा, तो देखिए यहाँ पे उन लोगों ने दे दिया है कि वो जो फॉर्म है वो आप चूज़ कर सकते हो आपके स्टूडेंट पोर्टल में, आपके पोर्टल में ही आपको वो चीज़ चूज़ करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और कब, 17 तारीख से, मतलब कल, कल 17 जून है, तो कल 3 बजे से, कल दोपहर को 3 बजे से ये ऑप्शन आपको मिलेगा। कब तक, 19 जून तक, ठीक है। तो ये 3 दिन, 17, 18, 19, ये सिर्फ 3 दिन का ही आपको ऑप्शन मिलेगा। ये 3 दिन के अंदर आपको ये चीज़ चूज़ कर देनी है अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम भरना हो तो। अगर इन केस ये 3 दिन के अंदर आपने सिलेक्ट नहीं किया, फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको कंपलसरीली ऑफलाइन ऑफलाइन एग्जाम ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, बिकॉज सिर्फ 3 दिन का ही टाइम है, इसीलिए आई थिंक ये वीडियो बनाना या आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था। तो इन केस अगर आपके दूसरे जो क्लासमेट्स हैं, जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है जिनकी एग्जाम इस तरह से होगी, तो प्लीज़ उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। बिकॉज देखिए, अगर आज उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची तो कल तक तो फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 17, 18, 19, सिर्फ 3 दिन का ही टाइम है, जिनको भी ऑनलाइन एग्जाम देना है ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जान लीजिए। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना हो तो ये 3 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको कंपलसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके ही ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें इन लोगों ने बताई है यहाँ पे। उसके अलावा क्या बोला है यहाँ पे, हाँ देखिए, जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन एग्जाम होगा उसमें तो हमको पता है इन्विजिलेटर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, तो अगर जो भी स्टूडेंट लेट पहुँचता है या जो भी होता है उस तरह से फैकल्टीज जो होते हैं वो हैंडल कर लेते हैं। बट अगर जो लोग ऑनलाइन एग्जाम देंगे उस केस में तो कोई भी फैकल्टी होगा नहीं, राइट। तो ऑनलाइन एग्जाम में ये लोगों ने ये बोला है कि कोई भी स्टूडेंट, पहले से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, टाइम क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब कुछ। तो अगर जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं वो अगर टाइम पे नहीं पहुंचे, टाइम पे अगर उन लोगों ने अपना एग्जाम स्टार्ट नहीं किया ऑनलाइन, तो उस केस में पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट पे ही आएगी और डायरेक्टली वो स्टूडेंट को एब्सेंट लगा दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टाइम पे बैठ जाना है एग्जाम देने, वरना इन लोगों ने क्लियरली बोल दिया है कि आप एब्सेंट कंसिडर हो जाओगे उस एग्जाम में अगर टाइम टू टाइम आपने अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं किया, आप अपने एग्जाम नहीं देने बैठे ऑनलाइन, तो ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट कि आपका ये जो भी ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा उसका इन लोगों ने डेट भी दे दिया है, दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 21 जुलाई। तो आज ऑलरेडी 16 जून तो हो चुका है, तो लगभग 1 महीने का ही टाइम है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगी उसका उन लोगों ने डेट दे दिया है, कब से स्टार्ट होगा, 21 जुलाई से, ठीक है। तो डेट इज फाइनल, बट उन लोगों ने अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं दिया है किस हिसाब से एग्जाम होगा, बट इन लोगों ने ये लिखा है कि टाइम टेबल बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा जीटीयू वेबसाइट पे। तो जैसे ही वो आएगा, अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बता दूंगी, आपको डिटेल में वो भी बता दूंगी, बट अब फिलहाल के लिए आपको ये डेट पता होनी चाहिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सको और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको, ठीक है। उसके अलावा उन लोगों ने क्या बोला है कि अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना हो तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए घर पे, मतलब आप अगर सोचो कि मोबाइल से दे देंगे, टैबलेट से दे देंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप मतलब पीसी से ही बैठ के एग्जाम देना होगा। और उन लोगों ने ये भी बोला है कि जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप एग्जाम दो उसमें प्रॉपरली आपका वेबकैम और
माइक्रोफोन काम करना चाहिए। तो देखिए इससे ही पता चल रहा है कि वो लोग आपके ऊपर पूरा लाइक सुपरविजन करेंगे, राइट। क्योंकि इधर क्लियरली बोला है कि आप जिस पे भी एग्जाम दो उसका माइक्रोफोन और वेब कैमरा दोनों प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। तो हो सकता है कि वो लोग वहाँ से आपके ऊपर ध्यान रखें, वेब कैमरा आपका ऑन हो, आप एग्जाम लिख रहे हो, 2.5 घंटे बैठ के किस तरह से एग्जाम लिख रहे हो सकता है कि सब कुछ वहाँ से कंट्रोल किया जाए, राइट। तो ये चीज़ उन लोगों ने मेंशन की है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में वेब कैमरा और माइक्रोफोन भी होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें उन लोगों ने क्लियर कर दी है कि अगर आप आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में एग्जाम दे रहे हो तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये होने चाहिए आपके लैपटॉप या पीसी में। मतलब डिवाइस आपका लैपटॉप या पीसी होना चाहिए जिसके साथ वेबकैम और माइक्रोफोन होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 7 या फिर मोर, मतलब विंडोज 8 विंडोज 10 कोई भी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया है, ये बोला है कि इंटरनेट कनेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा ब्राउज़र जो है आपके पास गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स, इन दोनों में से कोई ब्राउज़र होना चाहिए और उनका भी लेटेस्ट वर्जन मतलब अपडेटेड वर्जन होना चाहिए आपके पीसी में। उसके अलावा एंटीवायरस और फायरवॉल भी अपडेटेड होने चाहिए, और जो आपका इनबिल्ट विंडोज़ के साथ आता है नॉर्मली हमारा एंटीवायरस और फायरवॉल, उस हिसाब से ही आपके पीसी में भी सेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो उन लोगों ने दी है आपको यहाँ पे, कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो ऑनलाइन एग्जाम होने के पहले ये वाली चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और नीचे उन लोगों ने वही बोला है कि ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो उसके पहले, मतलब जब भी डेट आए, डेट तो ऑलरेडी आ चुकी है, जुलाई में होगी, तो उसके पहले आपको ये पूरा सेटअप कर लेना है, आपको ट्रायल प्री चेक कर लेना है कि ये सब कुछ है या नहीं, ठीक है। वो सबके बारे में ही नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है, आप ये रीड कर सकते हो। मैं आपको ये चारों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप अपने हिसाब से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सर्कुलर्स गो थ्रू कर सकूँ। तो पहला सर्कुलर इस बारे में था जो आपके ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप समर एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें जो जानने लायक है, जो सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अब क्विकली देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर था जैसे मैंने आपको बोला। अब बाकी तीनों सर्कुलर्स में क्या है वो क्विकली देख लेते हैं। ये सेकेंड सर्कुलर है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि गाइडलाइंस फॉर एग्जाम सेंटर रिगार्डिंग समर 2020 एग्जामिनेशन। मतलब इसके पहले वाले सर्कुलर में मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों मोड्स में एग्जाम होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इसमें क्या लिखा है ये वाले सर्कुलर में कि जो लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन देंगे, मतलब जो लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके एग्जाम देंगे, उनको ये सारे कुछ गाइडलाइंस है जो उनको ध्यान में रखने हैं। मतलब हम सबको पता है अभी कोविड चल रहा है तो उसके बेसिस पे ही मोस्टली यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हैं। लाइक आपको मास्क पहन के जाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइजर आपको लेके जाना है। सैनिटाइजर आपके एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन सेंटर में ऑलरेडी होगा, सबको सैनिटाइजर का यूज़ करना है, राइट। तो ये वाले जो बेसिक गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दिया है कि एग्जाम सेंटर में अगर आप एग्जाम देने जाओ तो तब आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप डिटेल में पढ़ लेना। उसके अलावा थर्ड सर्कुलर क्या है, तो देखिए ये जो सर्कुलर है ये बेसिकली आपके लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सर्कुलर प्रिंसिपल्स के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए है, बट ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, ये सर्कुलर में GTU वालों ने हर एक इंस्टीट्यूट की जो फैकल्टी है या फिर जो प्रिंसिपल है उनको बोला है कि जो भी फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी मार्क्स है, मतलब उनके मिड के मार्क्स, इंटरनल के मार्क्स और वाइवा के मार्क्स, ये तीनों के जो मार्क्स है वो उनको जल्द से जल्द सबमिट कर देना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेट्स भी GTU वालों ने दे दिया है कि अभी जैसे जून चल रहा है तो जून एंड से लेकर जुलाई बिगिनिंग तक, जुलाई 4 तारीख तक, ठीक है। तो जून एंड से लेकर जुलाई बिगिनिंग तक प्रिंसिपल, जो भी इंस्टीट्यूट के खुद के हर एक के प्रिंसिपल्स हैं उनको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। मतलब सारे स्टूडेंट्स के मिड के मार्क्स, इंटरनल के मार्क्स और वाइवा के मार्क्स, बेसिकली किन के, जो बीटेक के 8 सेमेस्टर के हैं, जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के 10 सेमेस्टर के हैं, जो पोस्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्स के 8 सेमेस्टर में है और जो बैचलर ऑफ प्लानिंग के 8 सेमेस्टर में है, ठीक है। तो ये सारे जो फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो सबके मार्क्स, वो चाहे रेगुलर के हो, रेमेडियल, एक्सटेंशन, टर्म एक्सटेंशन, ठीक है, रेगुलर के भी, रेमेडियल के भी और टर्म एक्सटेंशन के भी, तो हर एक स्टूडेंट्स के जो है फाइनल सेमेस्टर के मार्क्स कॉलेज वालों को या प्रिंसिपल्स को जून एंड से लेकर जुलाई स्टार्टिंग तक में सबमिट कर देना है GTU वालों को, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपके कांटेक्ट में कोई फैकल्टीज है, टीचर्स है, तो आप लोग उनके साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हो। और जो चौथा सर्कुलर है वो सर्कुलर BHMCT वालों के लिए है, मतलब जो भी
होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स, और वो भी सेमेस्टर 8 में जो स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिकली उनके लिए ही है। और ये क्या है, जैसे आप पढ़ सकते हो, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म ऑफ समर 2020। तो उनका भी अभी जो फाइनल सेमेस्टर वालों के एग्जाम्स होंगे उसके फॉर्म फिलिंग का पूरा जो है ये सर्कुलर है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो बस उतना ही इधर बोला गया है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म भर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको वो जल्दी कर देना है। और आपकी जो फीस की पेमेंट है, आपको फॉर्म भी भरना है और आपकी जो फीस पेमेंट है वो भी आपको ऑनलाइन कर देना है। आपको ये सब के लिए, फॉर्म भरने के लिए या फीस पेमेंट के लिए, आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आप ऑनलाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन कैसे करना है, नीचे उन लोगों ने पूरा गाइडलाइंस दिया है कि आपको आपके पोर्टल में जाके, इस लिंक में जाके आप लॉगिन कर सकते हो। ये पूरा गाइडलाइन का PDF है, राइट। तो उसके ही सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया है कि किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो होटल मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए फाइनल सेमेस्टर, ठीक है। तो ये जो चार है, ये चार बेसिकली, ये चार सर्कुलर्स है जो आज की तारीख में GTU ने इश्यू किया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला था। आई होप आपको ये चारों सर्कुलर या ये जो भी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दिया है, ये सब आपको हेल्पफुल होगा, आपको आगे मेंटली प्रिपेयर होने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्यूचर में भी जितने अपडेट्स आए मैं जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंचाने का ट्राई करूंगी। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक इंसान तक, हर एक स्टूडेंट तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।